पर ज्वाइन करा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से उनका मजबूत वोट बैंक राजपूत छिटक कर जाए। आखिर कांग्रेस की असलियत सामने आ गई, ऐसा है कांग्रेस, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से छिपकाए हुए नेताओं को अपनाने में लगी है। शायद वो भूल गए कि राजपूत समाज जिसको पोषित किया राजनीतिक रूप से भैरव सिंह जी शेखावत जी, बरसों से जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। आज राजस्थान की विधानसभा में सर्वाधिक विधायक 26 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ राजपूत हैं, पर इस समाज को कोई एक नेता ये कह दे तो समाज अलग हो गया। बाड़मेर जैसलमेर का जब लोकसभा का चुनाव था उसने भी असलियत सामने ला दी, जब अधिकांश राजपूत समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। राजपूत भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगा। जैसे एक चिल्ली के सपने मैं समझता हूँ सचिन पायलट जी, जिनको अभी तजुर्बा राजनीति में हुआ नहीं है, अपरिपक्व नेता इस प्रकार का कह सकता है किसी एक व्यक्ति के साथ किसी समाज को जोड़कर। और ये कांग्रेस की घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी के छिटकाए हुए नेताओं को प्रलोभन देकर उनके साथ जोड़ रहे हैं। मैं तो मानवेंद्र सिंह जी को कहूँगा कि एक बड़ा धोखा उनके लिए तैयार कर रखा है और उससे वो सावधान रहे। उनके पिताजी ने इस भारतीय जनता पार्टी को के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं, इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने से पहले सोचना चाहिए। आप कह रहे हैं छिटकाए हुए नेताओं को कांग्रेस जोड़ रही है, मानवेंद्र को छिटकाया क्यों गया? देखिए, हर एक आदमी राजनीति के अंदर हर आदमी कोई भी मंसूबा पाल ले और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे, विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा में रहे, उनको सारा सम्मान मिला और उसके पश्चात अचानक वो अगर किसी व्यक्तिगत कुंठाओं के कारण पार्टी छोड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि अपने सिद्धांतों को तिलांजलि देने के साथ साथ और उनको उनके पीठ पर छुरा घोंपने की संज्ञा मैं दे सकता हूँ। इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप देख लेना। भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर जैसलमेर में अच्छा प्रदर्शन करेगी और वो सारी बातें कपोल कर भी साबित। राजपूत समाज बीजेपी का बैकबोन रहा है? राजपूत समाज बीजेपी का बैकबोन नहीं, बीजेपी का आधार रहा है, पहले कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। क्या लगता है इतना सम्मान राजपूत नेताओं को बीजेपी मिला है, फिर इस तरह का फैसला मानो? ये उनकी व्यक्तिगत कुंठाओं से ग्रसित होकर उन्होंने ये अपना स्टेप्स लिया है। मैं समझता हूँ कि राजनीतिक रूप से एक गलत फैसला उन्होंने लेकर और इतने वर्षों की अपनी तपस्या को समाप्त किया है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। आया राम गया राम की राजनीति इस राजस्थान के अंदर चलती है। सचिन पायलट कह रहे हैं कि अब सिलसिला शुरू हो गया बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं का, वो अपने गरिमा में झांक के देख लें, अपने कुनबे को ठीक कर लें तो ही बहुत होगा। आज कितने बड़े लोग कांग्रेस के लोग भी भारतीय जनता पार्टी